हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दर्शनी, हमने एक बार नीतू मैम को एक किस्सा सुना था हमने कि रणबीर ने जब पहली सैलरी मिली, जब भी उसने कमाई की, तो उन्होंने कुछ सरप्राइज मम्मी के लिए रखा था। और फिर जब रिधिमा के पास नीतू जी मिलने गई, तो इन्होंने भी अपनी पार्ट टाइम सैलरी से जो कमाया था, मम्मी को घुमाया लंदन। ये बड़े अच्छे मोमेंट्स होते हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका अगर कोई ऐसा किस्सा हो पहली सैलरी का जो आपने कमाई की, तो उसके साथ क्या किया, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी जी मैम। हेलो। हेलो सर, मेरा अक्षता नाइक, मेरा नाम अक्षय कुमार। अक्षता नाइक। अक्षता नाइक जी, अक्षता बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। फर्स्ट सैलरी जब भी लगी थी, मैं 8,000 मुझे बोला था सैलरी। अच्छा। और बाद में आई वॉज नॉट अवेयर कि वो PF, ESIC सब डिडक्शंस होते हैं उसमें। अच्छा। एब्सेंटिज्म, ये सब आइडिया नहीं था वो टाइम। प्राइवेट जॉब थी कहीं? हाँ, एकदम फर्स्ट जॉब ही लगी थी जस्ट ग्रेजुएशन के बाद। मैंने तो पहले सोच लिया था सैलरी आने से पहले कि मम्मी को ये देना है, डैड को ये देना है, मेरी फ्रेंड को कुछ देना है, खुद के लिए भी कुछ लेना है करके। पर जब सैलरी आई, मुझे कट करके 5,000 कुछ मिला, एब्सेंटिज्म भी था, मेरे तो दिमाग सटक गया। मैं बोला अरे क्या है, दिमाग सटक गया 3,000 रुपए में आपका दिमाग सटक जाता है? अरे मैंने तो कुछ कुछ आइडिया कर लिया था, मैं बोली ये सब पूरा हो गया। तो किसका गिफ्ट काटा सबसे पहले आपने? गिफ्ट तो किसी को लिया ही नहीं, मैं बोली पहले बॉस से ही बदला लेना है मुझे। बॉस से बदला? बदला कैसे लेना, नागिन मंड के बॉस। तो मैंने सोचा अभी क्या करूँ, तो तभी सीक्रेट सांता भी था ऑफिस में, दिसंबर का महीना था। अच्छा। मेरे जो बॉस थे वो गंजे थे। अच्छा। तो मैंने बोला अब मुझे मौका मिला, तो सर मैंने उनको सीक्रेट सांता में गिफ्ट में नारियल का तेल और कंघी गिफ्ट पैक करके दे दिया। वाह, क्या इनोवेटिव आइडिया है आपका। पर अभी मुझे लगता है सर मैंने उनको ऐसे देना नहीं चाहिए था गिफ्ट। अच्छा। क्योंकि सर मेरे हस्बैंड। नमस्कार भाई साहब, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया। तो आपको कभी गिफ्ट दिया मैडम ने? या, काफी देते रहते। अच्छा, तो आप कभी नहीं देते? देता हूँ सर। अच्छा, बड़े कट्टू कट है, देती रहती है। आप क्या करते हैं सर? सर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ। अभी तो हस्बैंड कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो अभी काम करती हैं आप? इधर इनके साथ ही हूँ। इन्हीं की कंपनी में? हाँ। सैलरी मिलती पूरी? हाँ मिलती है। काटते तो नहीं है वो 3,000 ऊपर वाला? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम, मेरा नाम प्रवीण सिंह है, इंडियन आर्मी से हूँ सर। अरे वाह, कैसे आप? बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं ट्रेनिंग पीरियड का एक किस्सा बताना चाहूँगा सर। उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था सर, तो हमारी सैलरी 3 महीने करके लेट आती है सर। अच्छा जी। तो उस टाइम मेरी फियांसे का बर्थडे था सर, तो मैंने सोचा कि उनको एक गिफ्ट देता हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने उनको एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट की, थोड़ी कॉस्टली थी, तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी को कहा कि मम्मी पापा को मत बताना, पापा थोड़ा कॉन्शियस है उन चीज़ों को लेके। अच्छा। पैसे खर्चा करता है। अच्छा। तो मम्मी ने नेक्स्ट डे पापा को बताया, पापा ने नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन किया क्लास लेने के लिए सुबह मॉर्निंग में। अच्छा। और मैं वहाँ ट्रेनिंग में था, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई सैलरी आ गई। मैं बोला हाँ पापा आ गई सैलरी, तो फिर हमारी भी एनिवर्सरी आ रही है, हमारे लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट है? मैं बोला पापा मैं नेक्स्ट महीने का करता हूँ पापा, अभी इसमें मेरा थोड़ा खर्चा है। मैं बोला मुझे पता है तो तेरे कितनी रामायण चल रही है ना, मेरे को सारा चीज़ पता है, तेरे पैसे कहाँ गए, तेरी फर्स्ट सैलरी कहाँ गई है। तो उसके बाद मेरी फियांसे ने मेरे को नेक्स्ट 2 महीने बाद उन्होंने गिफ्ट दिया, मैं घर आया था, तो वो स्मार्ट वॉच उन्होंने भी मुझे रिटर्न किए थे, वो मेरे पापा ने अभी पहना हुआ है, पापा को वॉच पसंद आ गई। आपके पापा आए साथ में? यस सर, मेरे पापा हैं। आइए प्रभु। कैसे आप? तो मतलब पापा ने आपकी मम्मी को कभी गिफ्ट नहीं दिया कभी कोई? नहीं सर, देते रहते हैं, लेकिन मेरा मेरी फियांसे ने जो मुझे वॉच दिया था ना, वो वॉच पापा को पसंद आ गया, आज भी उन्होंने पहनी हुई है। अच्छा। और ये मेरी फियांसे हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मदर है सर। नमस्कार जी, पूरी सब परिवार आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी कहाँ पोस्टिंग है आपकी? सर मैं नागालैंड में हूँ, मोकचंग में। अच्छा जी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। नागालैंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो कपिल सर। नमस्कार जी। मैं छाया। हाय छाया। हाय। तो एक ऐसा किस्सा है कि जस्ट एंगेजमेंट हुई थी, हस्बैंड कैसे हैं, नेचर कैसे है, कुछ भी नहीं पता। आपकी एंगेजमेंट हुई जब? हाँ। अच्छा जी। 35 years बिफोर। तो मैंने उनको गिफ्ट देना चाहा था, मैंने बोला चलो क्या दिया जाए, तो फिर मैंने एक सोचा कि एक
म्यूजिक कैसे डीजे है, तो उसमें मैंने खास तौर से मैम के गाने थे उस समय के, और वो कैसेट मैंने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट के तौर पे दी थी। अच्छा जी, तो फिर क्या बोले वो? वो तो बोले वाव, और हमको पता चल गया कि म्यूजिक के लिए सेम नेचर है हम लोगों अच्छा का, तो वहाँ पे हमारा नेचर मिलने लग गया। वाव, आए आपके हस्बैंड साथ में? हाँ, मेरे हस्बैंड आए। एक कुर्सी छोड़ के क्यों बैठे हो अगर आपका इतना नेचर मिलता है तो? अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं वो इसलिए होता है कि मतलब आप किसी स्ट्रेंजर से अगर मिलते हैं तो उससे दूरी बनाए रखें। आप तो घर से एक साथ ही आए होंगे? हाँ जी, मतलब काफी सालों से साथ में ही है, तो आप साथ साथ बैठ सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई साहब, फिर आपको जब मैडम ने कैसेट दिया तो वहीं पे आप फिदा हो गए थे? वो फिदा तो मैं पहले ही हो गया था। वो जो सोनी की जो ऑडियो कैसेट होती थी ना, 35 साल हो गए वो अब तक मैंने संभाल के रखे। आपके चरण कहाँ हैं? क्या बात है यार। और अगर आप कहें तो उसमें से एक गाने की दो पंक्तियां भी सुनाइए। जरूर जरूर सर, सुनाइए प्लीज। आपका ही गाना है मैम। ये एक बात मुझे क्लियर कर दो, सुना किसको रहे हो आज? बीवी के लिए गा रहे हो कि आज नीतू जी के लिए गा रहे हो? जी सर प्लीज। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तंग मन में हो रहा है ये तो होना ही था। थैंक यू सर। आप दोनों इतने प्यारे हैं और किस्सा भी आपने इतना प्यारा सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए। लवली। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्ते कपिल सर, माय सेल्फ कपिल टू। हाँ जी, मेरा नाम भी सर कपिल ही है। कैसे? हाँ, हो सकता है। सर मुझे ये तो याद नहीं है कि मैंने अपना पहला गिफ्ट किसे दिया था। दारू पी के दे दिया होगा किसी को। बट मुझे जो पहला गिफ्ट मिला था, हाँ, वो मुझे आज भी अपने जेहन में याद है। मुझे एक मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने एक घर बनाकर गिफ्ट किया था। घर बना के? जी हाँ। मैं उसके साथ, नॉट असली वाला सर, हाँ, वो एक छोटा सा घर। जी जी, तो जो लकड़ी का ऐसा। हाँ, लकड़ी तो आपने पूछा नहीं, मैं कबूतर हूँ। आपके जैसा सिर्फ नाम है मेरा सर, मैं आपके इतना फनी नहीं हूँ सर। नहीं तो मेरा भी तो नाम कपिल देव जी के देख के रखा गया, मैं कौन सा क्रिकेट खेलता हूँ। तो फिर उसके साथ घर तो नहीं बना पाया, बट मुझे आज भी वो गिफ्ट याद है कि मुझे किसी ने वो गिफ्ट दिया था, वो आज भी मेरे जहन में बसा हुआ है सर। तो अब आपकी शादी हो गई होगी? जी हाँ, मेरी शादी हो गई है। तो ये बात आपकी वाइफ भी सुनेंगी? शी इज राइट हियर एंड सुन ली है। चलिए, ईश्वर आपकी रक्षा करे। हम क्या कह सकते हैं, मैडम को जरा देना। मैडम कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोलते अभी भी मेरे को याद है पहले वाली। वो उनका पास था, मैं उनका प्रेजेंट और फ्यूचर हूँ। आपको इन्होंने गिफ्ट दिया पहला, आपको याद है? हाँ याद है। देखा बीवियां, ये बड़ी प्यारी बात मुझे लगती है लेडीज की, उनको याद होता है, कहते मेरे को याद नहीं है मैंने किसको क्या दिया था, मेरे को मिला जो याद है। तो आज उन्होंने उनका नाम लिया, फिर कैसे आज कोहनी पे मारेंगी आज? नहीं नहीं। अच्छा, कितनी प्यारी बीवी मिली है आपको। वो यहाँ पे तो बोल रही है पता नहीं घर जा क्या करेंगे, आई डोंट नो। चलिए, हाँ जी, सच बोल रही। अर्चना जी होती ना यहीं पे हाथ मरो, क्या बोल रहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।